अर्शी खान ने बिग बॉस सीजन 11 के घर में कदम रखा था तब उन्हें बहुत कम लोग पसंद किया करते थे। हालांकि धीरे धीरे न केवल उनको चाहने वाले लोगों की तादाद बढ़ी बल्कि इस समय वो शो के सबसे मजबूत प्रतियोगियों में से एक बन गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अर्शी खान की वो कहानियाँ जो वो अपने साथी प्रतियोगियों को सुनाती है। अगर आपको याद हो तो अर्शी खान ने हितेन और विकास को अपने दादा की 18 पत्नियों वाली बात बताई थी जिसके बाद हितेन और विकास दोनों चौंक गए थे। अब एक बार फिर अर्शी खान ने अपनी एक कहानी शिल्पा को भी सुनाई है। बूट पर कल एक अनसीन वीडियो पब्लिश किया गया जिसमें अर्शी खान और शिल्पा शिंदे किचन में दिखाई दे रही हैं। अर्शी यहाँ शिल्पा को बताती हैं कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने एक बार सबके सामने उन्हें तमाचा मारा था। अर्शी बताती हुई दिख रही हैं कि वो भोपाल के हॉस्पिटल में काम किया करती थी। तब उनका जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत इनसिक्योर था और वो अर्शी पर हर वक्त नजर रखता था। यहाँ तक कि वो बारिश वाले दिनों में भी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता था। एक दिन जब वो मरीज से मिलकर वापस आ रही थी तब वो पूरी तरीके से पसीने में नहा गई थी क्योंकि हॉस्पिटल में हर जगह एसी नहीं थे। इसके आगे अर्शी बताती है कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें ऐसे पसीने में नहाए हुए देख लिया जिसके बाद उसने अर्शी को सबके सामने थप्पड़ मार दिया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि तुम सोकर आ रही हो सर्जरी डिपार्टमेंट से। अर्शी की यह बात सुनकर शिल्पा चौंक गई। शिल्पा ने अर्शी से पूछा कि क्या उन्होंने उस आदमी को पलट कर थप्पड़ नहीं मारा, तो अर्शी ने कहा कि नहीं, उसके बाद मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। फॉर मोर बॉलीवुड एंड बॉलीवुड अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल सवेरा स्टार टॉक।